बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल शुक्र के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज जो है वो मैं अपने नेबर के जो है ना वो डेरे पर आया हुआ था। इन्होंने लगाई हुई थी छलिंगा और छलिंगा जो है ना वो तोड़कर यहाँ पर जो है ना वो पत्ते उनके निकाल लिए हैं, हटा लिए हैं, पत्तों से छील ली हैं। और कुछ छलिंगा जो है ना ये वैसी ही पत्तों में पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी ये खुश्क होंगी। जब ये खुश्क होंगी तब इनको जो है ना इनके पत्ते वगैरह जो निकाल लिए जाएंगे। तो अभी जो है वो मेरे साथ आए हुए थे राणा नसार साहब, इन्होंने लेनी है छलिंगा। तो हाँ जी राणा साहब, चोरी तोड़ रहे हो? तो ये जी छलिंगा अभी हमने यहाँ से लेनी थी तकरीबन एक माह, तो यहाँ से अभी हम चेक करने आए थे कि ये छलिंगा जो है माशाल्लाह जी ये तो वाइट कलर की छली है जी, दिखाएं जरा इधर। हाँ जी, तो माशाल्लाह से चेक करें जी, वाइट कलर की छली आज मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो मेरे मोहल्ले के दोस्त हैं ना, हमारे मोहल्ले के डॉक्टर अवैस भाई, ये उनका खेत है सारी, ये मकई जो है ना वाइट कलर की उन्होंने लगाई हुई थी। अभी माशाल्लाह से छली चेक कर लें आप, तकरीबन एक फुट से भी ज़्यादा इसका जो है ना वो कद है। तो अभी हम जो है ना वन बाय वन छलियाँ देखते हैं, और जो जो छलियाँ कच्ची होंगी हमें पसंद आएंगी तो वो हम यहाँ से तोड़ लेंगे। तो अवैस भाई ने यहाँ पे ट्यूबवेल लगाया हुआ था सोलर प्लेट्स वाला, भी वो भी आपको दिखा था। यहाँ पे रेत रखी हुई है, उन्हें यहाँ पे ईंटें पड़ी हुई हैं, और ये यहाँ पे आई थिंक इन्होंने गंदम वगैरह काश कर ली है। थोड़ी सी जगह जो है ना ये सीमेंट का मसाला वगैरह बनाने के लिए रखी हुई है, और इस वाले खेत में जो है ना इन्होंने गंदम वगैरह लगा लिए। पहले इनका जो था ना यहाँ पे फार्म होता था, कच्चा होता था, लेकिन अभी यहाँ पे जो है ना इन लोगों ने शिफ्ट कर लिया। माशाल्लाह से शाम का टाइम है, व्यू चेक कर लें कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है। और इन्होंने यहाँ पर जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह भी लगाई हुई है, माशाल्लाह से पालक लगाई हुई है इन्होंने। ये देख लें जी, ये सारी पालक वगैरह लगी हुई है, ये साइडों पे मूलियाँ हैं, और ये वाला जो है ना ये आई थिंक वो क्या कहते हैं उसको, शलजम वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये सारी जो है ना माशाल्लाह से इनका डेरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये इसकी अभी जो है ना ये तैयार कर रहे हैं इनको। तो ये छलियाँ वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं, इनके डैड साहब बैठे नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लहसुन वगैरह भी लगाया हुआ है। यहाँ पर जी है वैस भाई ने ट्यूबवेल लगाया हुआ था, माशाल्लाह से इसका जो है ना वो सोलर वाला ट्यूबवेल है, और ये चलाया था आज इन्होंने, और पानी चले के अंदर मौजूद है। और साथ में देख लें जी नक्के वगैरह, माशाल्लाह से ये साथ बस्ती है, थोड़ी दूर जो है ना वो मेरा वहाँ पे फार्म है। तो ये बहुत ही खूबसूरत से ज़बरदस्त से सीन होते हैं यहाँ पर डेरेदारी के। तो माशाल्लाह से चेक कर लें आप भी, मैं आपको टोटल जो है ना वो सारा दिखा रहा हूँ। राणा साहब वहाँ पर बैठे हुए जो है वो छलिंगा दोबारा से चेक कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। हाँ जी राणा साहब, छलियाँ कितना ठीक है, कच्चियाँ पकियाँ? हाँ धुप्पे पईया ना, हूँ पक गई होनी। हाँ जी, तो ये वाली तो तकरीबन सारी पक्की छलियाँ पड़ी हैं, ये वाली जो है ना ये आई थिंक कच्ची छलियाँ हैं। राणा साहब आ देखो, हाँ आ वालियाँ ये भी पकियाँ वा, आ तो हरियाँ वा यार, आ छली तो हरी है, छोटियाँ वहाँ हरियाँ वहाँ। हाँ जी, तो ये वाला जो था ना थोड़ी सी ढेरी, ये जो है ये हरी है, और दूसरी से जो है ना वो पर्दे भी हटा दिए, क्योंकि इनको जब ये खुश्क हो जाएंगे तो शेलर लगाएंगे। अभी कुछ मकई जो है ना वो शेलर निकाल के चला गया है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और छली के गुल भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी राणा साहब जो है वो अपनी डीलिंग शीलिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि इनको पसंद आती हैं कि नहीं, चेक कर लेते हैं। राणा साहब जल्दी करो यार, नहीं पसंद आई हैं? हाँ जी, तो यहाँ से छलियाँ जो हैं वो राणा साहब को कोई भी पसंद नहीं आई, क्योंकि जस्ट दो ढेरियाँ थी जिन जो हमने देखनी थी। तो अभी जो है वो चलते हैं वापस घर। आना भैया,
Thank you.
गुल हैं जी, जो मैं आपको बता रहा था ना मकई के गुल, ये देख लें जी, ये गुल इस तरह के होते हैं छलियों के, ये देख लें जी, ये छली थी ये वैसी निकल आई है, और ये वाले जो गुल थे ना ये देख लें जी, ये छलियों के गुल जो है ना ये मशीन निकाल कर चली गई है माशाल्लाह से, एक एकड़ की आज जो है ना वो गुल निकाल ली है, ये देखें जी सारे एरिए पे जो है ना वो फैला के चला गया है, ये देख लें जी। और वो जो मकई जो है ना वो ढक रही है, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है तो अभी हल्की हल्की जो है ना वो शबनम वगैरह भी आ रही है, जिसको पंजाबी में बोलते हैं त्रेल, तो शाम के टाइम जो है वो त्रेल आना शुरू हो जाती है, इसलिए अभी मकई को जो है ना वो ढांपने के लिए भाईजान जो है ना वो शॉपर ले आए हैं, तो अभी इनके ऊपर शॉपर लगा रहे हैं, क्योंकि रात होती है ना सर्दियां हैं तो कोहरा और तरेल वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती है, इसी वजह से जो है ना वो इनके ऊपर शॉपर वगैरह डाल दिया जाता है। तो जी कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, आज का व्लॉग यहीं पर दी एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, दिलावर अली को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।